सब्सक्राइब करो, बेल आइकन एनेबल करो नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गेम्स विद मी में बहुत दिल से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ये वीडियो आज की मैं जो बना रहा हूं उसका टॉपिक है आपको इंजीनियर्ड बेस क्यों नहीं बनाना चाहिए। लोग जो इंजीनियर्ड बेस बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है, सब मैं बताने वाला हूं ये वीडियो में। तो भाई लोग, अगर कोई क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये रहा मेरा टैग। तो आप, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो जैसे मैंने कहा कि इंजीनियर बेस आपको क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो इसका सबसे लाइव डेमो मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप समझ सकते हो भाई अच्छे से तो समझ लो। तो मैं सीधे चलता हूँ वार पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप बेसेस जो हैं वो सारे के सारे 3-स्टार हो चुके हैं, जो नॉर्मली नहीं होता है। बहुत कम होता है कि टॉप बेसेस भी 3-स्टार हो गए। ऐसा कब होता है, जब आपका क्लैन फुल्ली इंजीनियर्ड बेस से भर्ती हो या फिर ओपोनेंट का क्लैन फुल्ली इंजीनियर्ड बेस से भर्ती हो। इसका क्या फ़ायदा है कि भाई आपको ओपोनेंट जो मिलता है वो थोड़ा कमज़ोर मिलता है, आपके बेस के हिसाब से आपको ओपोनेंट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिलता है। एंड ये बात सोचते हैं कि भाई जो बेस अच्छे से बना लेंगे इंजीनियर्ड बेस उनको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन एक्चुअली उनको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो जब डिफेंड करते हैं तब उनके ऊपर भी जो अटैक करता है वो भी एक इंजीनियर्ड बेस ही रहता है एंड वो आराम से 3-स्टार कंप्लीट कर लेता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नमूना। तो ये नमूना एक्चुअली ऐसा है कि सब बोलेंगे कि कैसे हो सकता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। नंबर 1 पे अटैक किया नंबर 16 ने। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट 16 नंबर की बेस पे एंड दिखाता हूँ भाई उनकी बेस है कैसी। स्काउट करते हैं। स्काउट जब किया तो ये है देखो टाउन हॉल 11, फुल्ली इंजीनियर्ड है भाई। एक्चुअली इट्स अ रस्ट इंजीनियर्ड बेस आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनका डिफेंस देखो आप इतना, मतलब हिडन टेस्ला में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लेवल 7 तक ले गए, बट वॉल्स मोटर कैनन ये सब लेवल 1, 2, 3 के हैं। अगर इनकी आप प्रोफाइल देखें तो थोड़ा शॉक लगेगा कि भाई ये प्रोफाइल इतना कैसे, मतलब ये सिर्फ यूज़ कर रहे हैं लावा लूनियन अटैक। शायद मैं अभी तक देखा नहीं उनका पहला अटैक, मैं सिर्फ नंबर देखा तो मैं बोला कि भाई अगर 16 नंबर 1 नंबर को अटैक करके 3-स्टार कर सकता है तो भाई क्या आर्मी यूज़ ऐसा कर रहा है, क्या ऐसी बेस है। तो मैं आप सबके साथ शेयर करने की सोचा। एंड यहाँ पे ग्रैंड वार्डन इनका लेवल 7 का, मतलब आप समझ लो कि ये उतना ध्यान दे रहे हैं 11 पे, डिफेंस पे एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना ध्यान दे रहे हैं वो पूरा अपना ऑफेंस पे दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनका रिप्ले एंड रिप्ले में देखते हैं कि भाई इन्होंने कैसा अटैक किया है और वो नंबर 1 का बेस कैसा था और इन्होंने 16 नंबर होकर नंबर 1 को 3-स्टार कर लिया इजीली। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर 1 का बेस दिखा देता हूँ। देखो नंबर 1 का बेस लगभग ठीक ठाक है, ये भी इंजीनियर्ड बेस ही है। यहाँ पे ना इन्फर्नो टावर है, एक्सपो है सिर्फ जो कि लेवल 4 में है, यहाँ पे क्वीन इनकी लेवल 23 की है। तो चलिए चलते हैं रिप्ले में एंड देखते हैं कि इन्होंने क्या अटैक यूज़ किया। तो यहाँ भाई यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इनका बलून्स जो है वो पूरा का पूरा मैक्स्ड है। तो लेवल 7 का बलून्स यूज़ कर रहे हैं एंड लावा हाउंड यूज़ कर रहे हैं, मतलब लूनियन अटैक कर रहे हैं एंड ये इजीली ये बेस को 3-स्टार कर देते हैं इजीली, मतलब इनको कोई टेंशन नहीं है। अब देखो बट ये इंजीनियर बेस बना के इनको क्या फ़ायदा होता है मेरे को समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि भाई उनको ओपोनेंट मिलेगा बहुत कमज़ोर मिलेगा, वो इजीली उनको 3-स्टार कर लेंगे भाई। लेकिन ये क्लैश ऑफ क्लैंस का जो वार एल्गोरिदम था वो पूरा चेंज हो चुका है, आपका जैसा क्लैन रहेगा वैसा आपको ओपोनेंट मिलेगा। तो भाई इतने सारे इंजीनियर्ड बेस हो चुके हैं, इतने सारे, तो आप समझ लो कि आपको ओपोनेंट भी वैसा ही मिलेगा, तो आपका बेस भी तो भाई 3-स्टार हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आपका 3-स्टार नहीं रहेगा तो आपका बेस भी तो 3-स्टार हो जाएगा। लेकिन एक फ़ायदा है, अगर आप इंजीनियर्ड बेस रखते हो कोई ऐसा क्लैन में जिसमें बहुत सारे मैक्स्ड टाउन हॉल 11 है, टाउन हॉल 10 है, तो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप लो लेवल में रह के टॉप बेसिस को क्लियर कर सकते हो, तो आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है।
मतलब नंबर वन भी इंजीनियर बेस रहेगा एंड नंबर 20 भी इंजीनियर बेस रहेगा, तो भाई आपको जो ओपोनेंट मिलेगा वो भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो आई थिंक कि इंजीनियर बेस को उतना फॉलो नहीं करना चाहिए। जो जो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मत करो, क्योंकि वार एल्गोरिदम पूरा चेंज हो चुका है एंड आपको जो ओपोनेंट मिलेगा जैसा आपका बेस रहेगा वैसा ही आपको ओपोनेंट मिलेगा। तो देखो इन्होंने 16 नंबर होके एक नंबर को इजीली 3 स्टार कर लिया, 3 स्टार आराम से हो गया, मतलब इनको कोई टेंशन ही नहीं हुआ। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी, देखो दूसरे नंबर पे इन्होंने ही अटैक किया है, लेकिन इनका डिफेंस अगर देखें तो भाई समझ सकते मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो नंबर 20 अटैक कर रहा है नंबर 3 को एंड वो आराम से 3 स्टार कर रहा है। नंबर 20 ये देखो टाउन हॉल 10 है, टाउन हॉल 8 की डिफेंस है, इन्फर्नो टावर नहीं है, एक्सपो इनका अपग्रेडेड नहीं है और ये आराम से नंबर 3 पे है एंड इनको नंबर 20 कर रहा है अटैक, जो कि 3 स्टार कर दे रहा है। देखो इन्होंने हिडन टेस्ला एक्चुअली मैक्स किया है, इंजीनियर बेस में यही रहता है, जो हिडन ट्रैप्स है हिडन डिफेंस है उनको मैक्स कर लो और जो नॉर्मल डिफेंसेस है उनको छोड़ दो। तो ये इंजीनियर बेस बंद श्योर होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई बिल्डर हॉल पे आप जब तक सारा बिल्डिंग्स नहीं खरीदते हो तब तक आप अपना बिल्डर हॉल को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। वो सेम चीज़ अपना होम विलेज पे भी आ सकता है। इंजीनियर बेस वालों थोड़ा ध्यान दो अपना बेस पे। अगर आप टाउन हॉल 11 में हो तो भाई आपको टेंशन नहीं होगा, आप खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन आप अगर टाउन हॉल 9 में रह के इंजीनियर बेस बना रहे हो और वो अपडेट अगर आ जाता है तो भाई आप समझो कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप इससे अच्छा पूरा मैक्स करके खेलो, अच्छे से खेलो, सब कुछ अपग्रेड करके खेलो तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक मैं इंजीनियर बेस को उतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वार एल्गोरिदम जब से चेंज हुआ है तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आप समझ सकते हैं कि आप अगर मैक्स टाउन हॉल 10 है एंड आपका ओपोनेंट भी मैक्स टाउन हॉल 10 है, लेकिन मेरे क्लैन में 2-3 इंजीनियर बेस है, सामने वाले के क्लैन में 2-3 इंजीनियर बेस है, तो वो मेरे को 3 स्टार कर सकता है, लेकिन मे भी मेरा जो क्लैन में इंजीनियर बेसिस है वो मे भी नंबर 1 को 3 स्टार नहीं कर सके टाउन हॉल 11 हो के। तो बात वही है, आपको क्लियर कट खेलना चाहिए, मतलब इंजीनियर बेस बना के मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई अगर आपको लगता है कि इंजीनियर बेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एक्चुअली बोलते हैं कि इंजीनियर बेस मतलब होता है डिफेंस में वीक ऑफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली इंजीनियर बेस वैसे ही डिफाइन किया जाता है क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो आई होप कि मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे हैं तो भाई अब मेरा अगर कोई मेरा कोई डाउट है तो भाई क्लियर करो, कमेंट करो नीचे कि इंजीनियर बेस का क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नहीं, आप मेरा डाउट्स को क्लियर करो। एंड मे भी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आई थिंक इंजीनियर बेस पे थोड़ा कम ध्यान दो, बेस को मैक्स करके खेलो, अटैक करने में डिफेंस करने में और भी मज़ा आएगा भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को शेयर करो भाई एंड सब्सक्राइब तो बनता है, वो लाल जो बटन है ना, हाँ उसको सब्सक्राइब ही करना भाई और कुछ नहीं। तो चलिए चलता हूँ एंड सब्सक्राइब बनता है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।